नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैरा मशरूम की खेती कैसे किया जाता है, हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, कितना तापमान चाहिए, कितना नमी होना चाहिए। इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से इसे पूरे ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकता है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, पैरा मशरूम को उगाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है धान की पुआल यानी पैरा की, दूसरा स्पॉन यानी बीज का, तीसरा चोकर यानी बेसन का, और चौथा पॉलीथीन का। सबसे पहले हमें धान की पुआल यानी पैरा को इस तरह से 1 से 1.5 फीट के लगभग बंडल के रूप में तैयार कर लेना है, और इसे अच्छे से पानी में डूबो कर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। किसी भी प्रकार के फंगस के बचाव के लिए आप इसमें चूना या कार्बेंडाजिम डालकर इसे उपचारित कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम को उगाना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी फंगिसाइड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे बाद हमें इसे पानी से बाहर निकाल कर छोड़ देना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो बह कर बाहर निकल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्पून यानी बीज को बॉटल से बाहर निकाल लेना है। चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, इनका जो बीज है वो दो पैकेजिंग में मार्केट में मिलता है, पॉलीथीन पैकिंग और बॉटल पैकिंग, जिसमें बॉटल पैकिंग अच्छे से कवर रहता है, तो आप बॉटल पैकिंग का चुनाव कर सकते हैं। तो बेड को हम इस तरह तैयार करेंगे के बाद में इसे अच्छे से कवर किया जा सके। हमने इसके लिए सब्जी के बास्केट को लिया है, इसमें बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। आप बांस से भी बेड बना सकते हैं, और बेड को हमें ऐसी जगह तैयार करना है जहां डायरेक्ट धूप और पानी बिल्कुल भी ना पड़े, लेकिन रोशनी बराबर मात्रा में मिलता रहे। हमने इसे सीढ़ी के नीचे रखा है। दोस्तों, अब हमें इस बंडल को बारी बारी लाइन से बेड पर बिछा देना है, और बीज को साइड साइड में इस तरह से रख देना है। और ऊपर में चोकर डालकर फिर से बंडल रखना है। इस प्रक्रिया को 3 से 4 लेयर तक दोहराना है। और आखिरी परत में बंडल को खोलकर बिछाना है। फ्रेंड्स, अब हमें अच्छे से पॉलीथीन से कवर करना है, ताकि हवा और पानी ना लगे। और इसे हमें 8 से 10 दिनों तक कवर करके रखना है। 8 से 10 दिनों बाद पॉलीथीन को हम हटा देंगे, फिर हमारा मशरूम निकलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, एक बॉटल स्पॉन बीज को 3 से 4 बेड पर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे बीज को एक ही बेड पर लगा दिया जाए तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। एक बेड पर लगभग 1 केजी तक ही उत्पादन होता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना।